देखो, ज़ैनब तुम्हें मेरे भरोसे छोड़कर गई थी, ठीक है? ज़ैनब के आने तक तो हमारी बात मान लो बेटा, प्लीज। मैं खुद अपने बाबा के पास जाऊंगी। मेरी बात सुनो, तुम्हारे बाबा अब नहीं है, हमेशा के लिए तुम्हें छोड़ के चले गए हैं, समझ क्यों नहीं रही हो तुम? पापा, क्या मेरे पापा फौत हो गए? नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं बेटा। पूछ रही हूँ, बाबा फौत हो गए? क्या मेरे बाबा फौत हो गए? देखो, आराम से बात सुनो, जानता हूँ तुम डर गई हो, लेकिन प्लीज आराम से। ये क्या कर दिया आपा आपने? सिनान, सिनान रुको, मेरी बात तो सुनो। बच्ची को अकेले में कुछ वक्त गुजारने दो। काश आप थोड़ी देर सुबह बंद रखती। मैंने बिल्कुल ठीक किया है, उसे इस उम्र में ही सब कुछ मालूम हो जाना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा किया है। मेरे ख्याल में ज़ैनब होगी। क्या बात है अमरे? हम यहाँ साबरी के लिए आए हैं, क्या वो यहीं है? वो साबरी? अच्छा, तो वो हॉस्पिटल में है। कौन सा हॉस्पिटल? तुम चिल्ला क्यों रहे हो? समझ गया, आपको नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो उन्हें क्या हुआ है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? भाई, मुझे आहिस्ता आवाज में कुछ बताएं, बाकी मैं संभाल लूंगा। अच्छा, तुम चीफ को धोखा देने का कह रहे हो? क्या तुम इसे एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल ले जाने में वक्त लगा दोगे? गुड। ज़ैनब की कोई खबर मिली? चीफ ने उसे छोड़ दिया। अहमद आया, चीफ को यकीन दिलाया और उसे साथ ले गया। लानत हो उस डॉक्टर पर यार। इस वक्त बच्ची तो हॉस्पिटल में ही होगी ना, या बच्ची यहीं मौजूद है? नहीं है भाई, कौन सी बच्ची? देखो, ये सब कुछ इस तरह से होगा कि तुमने एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल खूब तलाश किया और आखिरकार वो आदमी एक हॉस्पिटल में मिल जाता है, ठीक है? लेकिन क्या हुआ, वो मर गया, वफात हो गई उसकी, और बच्ची कहीं नहीं मिल रही, और कोई भी नहीं जानता कि बच्ची कहाँ पर है। बस उस वक्त तक जब तक हम कोई कानूनी बुनियाद ना बना लें, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिक्र मत करना। अगर ये बात है तो ज़ैनब को आना होगा। हाँ बिल्कुल, ज़ैनब जरूर आएगी, लेकिन वो बास्टर्ड डॉक्टर हरामजादा कहीं का, वो उसे ये नहीं कह सकती कि उसे उसकी बच्ची मिल गई और वो उसके पास जा रही है। ये धोधारी तलवार है। उस डॉक्टर को इस बात का हरगिज़ इल्म नहीं होना चाहिए, उसे मालूम नहीं होना चाहिए कि बच्ची मिल गई है। आपा का भी दिमाग खराब हो गया, उन्होंने भी अभी बच्ची को बता दिया कि उसका बाप मर गया। सोचो उसकी सहनी कैफियत का। वाकई? हाँ यार, यानी आपका हाल मुझसे भी बदतर है। बहरहाल मैं चलता हूँ। हाँ भाई, देखें, मैं चीफ को आपकी यहाँ मौजूदगी कैसे बताऊंगा, इस हवाले से आप मुझे कुछ बता। उसे इतनी परवाह क्यों हो रही है? जाओ उसे बताओ कि इसमें उसका कोई काम नहीं है। भाई आप चीख क्यों रहे हैं, ये लोग एक एक बात जाकर चीफ को बता देंगे। ठीक है यार, माफ करना, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा अभी। बहरहाल मैं अब चलता। हाँ जाओ। हेलो तूबा, ज़ैनब और मैं तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, ज़ैनब मेरे साथ है। हमने जिंदगी से एक दिन चुराने का फैसला किया है। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो, तुम हमारे घर जाकर जान का इंतजार क्यों नहीं करती? फुप्पो और भतीजा एक साथ एंजॉय करना, रात भी हमारे घर पर ही रहना, ओके? सुबह तो वो वैसे ही स्कूल चला जाएगा, फिर से अपनी मसरूफ जिंदगी दोबारा शुरू कर लेना जहाँ से छोड़ी थी। अहमद देखो मैं। हाँ देखो, ज़ैनब भी तुम्हें थैंक्स कह रही है, प्यार दे रही है। मैं अभी फ़ोन रखता हूँ, और हाँ एक एक मिनट बाद लहसुन प्याज और बर्तनों के लिए कॉल मत करती रहना। एक और बात, चाबी चौकीदार के पास है, उससे ले लेना, चाहो तो पिज्जा ऑर्डर कर लेना। एक बात सुनो, किचन को साफ सुथरा रखना, उल्टा मत कर देना, ठीक है? तुम यही इंतजार करो। सुनो ये बहुत बुरा आइडिया है। कम से कम तुम्हारे प्लान से तो बेहतर है ना। हम उस्मान से गोश्त ले लेंगे, उसके पास बारबेक्यू का सामान भी होगा। क्या खाओगी, चांपें या पसंद है? हम एक अच्छा सा सलाद भी बनाएंगे, ये अच्छा होगा। हम चिमनी रोशन करेंगे, वैसे घर में लकड़ी तो थी ना? अहमद मैं उस घर में नहीं जाना चाहती हूँ। हम सब कुछ वहीं से शुरू करेंगे जहाँ से बिखरा था। हम वहाँ अपनी पूरी जिंदगी को फेस करेंगे। कभी वो हमारा हंसता बसता घर हुआ करता था ज़ैनब,
हम उस घर में अपनी राख से फिर उठेंगे दोबारा। अहमद प्लीज, अब मैंने तुम्हें कहा ना मुझे उस घर में वापस नहीं जाना। मैं सच कह रही हूँ, प्लीज वहाँ गाड़ी रोक लो तुम। मैं किसी चीज का सामना नहीं करना चाहती, माजी से दूर रहना चाहती हूँ, ठीक है? खत्म हो गया, खत्म सब। इस बात को 5 साल गुजर गए, तुमने किसी और से मोहब्बत की और अब वो औरत तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। मैं ये सब कुछ भूलकर उस घर में एक रात भी नहीं गुजार सकती। मैं उस आदमी को मार डालूंगा। तुम ये जानती हो ना? किस आदमी को मारोगे? तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मार डालूंगा उसे। कौन सा बॉयफ्रेंड? क्या कह रहे हो अहमद? तुम किसको मारने जा रहे हो? मैं उस सिनान को मार डालूंगा जिसने तुम्हारे पीछे आने की कोशिश की, जिसके साथ तुम किसी वजह से सुबह तक उसी के घर में थी। मैं उसे मार डालूंगा, तुम्हें घर छोड़कर कत्ल करूंगा। अहमद, तुम बिल्कुल गलत सोच रहे हो। सिनान हरगिज मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है और मुझे अभी जाना है, प्लीज बहुत जरूरी काम है मुझे। गाड़ी साइड पे रोक दो ना। आज मुझे कॉल मत करना, मरीजों को किसी और डॉक्टर के पास भेज दें। मैं आ सका तो आ जाऊंगा, मुझे कॉल मत करना। जबरदस्त, अब हमें कोई परेशान नहीं कर सकता। मैं तुमसे बस यही चाहता हूं कि हम दोनों के लिए बस एक दिन और एक रात, और आखिर में जिंदगी भर के साथ की उम्मीद करता हूं। आ जाओ, खुश आमदीद। मैं कॉफी मंगवाती हूँ। नहीं नहीं, कॉफी की जरूरत नहीं, इस दफा मौसम मुख्तलिफ है। आहा, ऐसी क्या बात है, मुझे क्यूरियोसिटी हो रही है। उस लापता बच्ची को तलाश करने के लिए उस्ताद को राजी कर लिया? नहीं, उस बच्ची को ढूंढने के लिए हमें उस्ताद की कोई जरूरत नहीं है, खुद संभाल लूंगी मैं। आप कैसे संभालेंगी? क्योंकि बच्ची कहाँ है मैं जानती हूँ। आपको मालूम है? आपको कैसे मालूम? जिस तरीके से मैं वो सारी बातें जान जाती हूँ जो और लोग नहीं जान पाते, उसी तरह ये भी जानती हूँ। कुछ बातें मेरे जहन में आती हैं मगर उनका वो सही वक्त नहीं होता। ठीक है, आप लड़की को ले आए, टेस्ट होंगे और अगर ये सच निकला तो आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। नहीं, बच्ची को वहाँ से ले जाना आसान नहीं होगा जहाँ वो है। हाँ, मगर अगर हम अच्छी अदायगी करें तो उसे बेच देंगे। क्या? ऐसा ही है। क्या आपको यकीन है? मैं हवा में तीर नहीं चलाती। क्या पिछले साल डकैती करने वालों को नहीं ढूंढा था मैंने? ढूंढा था? मुझे हैरत है आप लोगों को ढूंढ कैसे लेती हैं। अगर वो वही बच्ची ना हुई तो? अरे, हम रकम वापस करने की अदायगी के साथ डील करेंगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, और ये कितनी रकम है जिसके बारे में आप बात कर रही हैं? यानी इतनी बड़ी रकम नहीं जो तुम्हें हिला कर रख दे। $500 एडवांस डिपॉजिट समझो। अहमद, आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाओ प्लीज। ठीक है, हम जाएंगे, जहां जाओगे वहीं जाएंगे, हम उसी घर जाएंगे, लेकिन बारबेक्यू वगैरह का आइडिया छोड़ो अभी। देखो, मैं वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगी, मगर तुम्हें मेरी भी बात सुननी होगी। मुझे बारबेक्यू लकड़ी की बू और ताजा हवा बहुत याद आती है ज़ैनब। मैंने तुम्हारी सालगिरह के लिए एक फ्राई पैन खरीदा था जिस पर तुमने मुंह बनाया था। हम उसी फ्राई पैन में रोटी सेकेंगे। मैंने बिल्कुल मुंह नहीं बनाया था, या अल्लाह मुझे सब्र दे बस। अहमद, तुम मुझे डरा रहे हो। अगर रुके नहीं तो मैं स्टीयरिंग पकड़ के गाड़ी दरख्त में मार डालूंगी। पकड़ो ना, इंतजार किस बात का, चलो आओ ना। अच्छा, कम अज कम मौत तो एक साथ देखें। अपनी बेटी के साथ दोबारा मिल जाओगी। क्या तुमने एलिफ की वजह से पहले हम सब की जिंदगी खत्म नहीं कर दी? उसके बाद जीने का क्या फायदा मिला किसी को? बेटी के साथ दोबारा मिलना इतना बुरा होगा? शायद मुझे जानू में थोड़ा सुकून मिल जाए। वैसे भी कौन जीना चाहता है?
आलू भी मंगवा लेना, वो भी चाहिए। ऐसे ड्राई मीट नहीं खाया जाता। आलू के फ्राइज बनाएंगे और तेल 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 भी ले आना। आलू तो बहुत जरूरी है, उनके बिना क्या मजा। फ्राइज के लिए आलू पतले काटने पड़ेंगे मुझे। तुम्हें हमारा घर उसी तरह मिलेगा जैसे तुमने छोड़ा था, सिर्फ अपना सूटकेस लेकर चला गया था। हर महीने घर की सफाई करता हूं ये सोचकर कि तुम एक दिन वापस आओगी। मैंने सारा फर्नीचर ढांप के रखा हुआ है। सफाई हो रही है? क्या हुआ लड़की, ऐसी सूरत किस लिए? ऐसे इस्तकबाल करोगी भाभी का? नहीं, आप अभी तक मेरी भाभी नहीं बनी। ये सूरत मैं अपने मोहल्ले के कुछ गद्दार लोगों का सलाम करने के लिए बनाती हूँ। मैंने तुम्हारे साथ क्या गद्दारी की है? क्या इस काम में कभी तुम्हारा कोई नुकसान हुआ है? कभी नहीं। क्या बात है जहरा, क्यों आई है यहाँ बताए? वाह, तो अब तुम मुझे कप कॉफी नहीं पूछोगी? हाँ हाँ बिल्कुल पूछूंगी। अंदर चलिए, कॉफी बनाती हूँ मैं आपके लिए। उनकी वफात कब हुई? कल रात। जब मैं उनकी गोद में लेटी हुई थी? नहीं, उसके बाद। क्या उन्हें बहुत तकलीफ हुई? डॉक्टरों ने इस बात को यकीनी बनाने की हर मुमकिन कोशिश की कि उन्हें तकलीफ ना हो। जब तक चाहो यहां लेट सकती हो। यकीनन यही सोच रही होगी कि यहाँ अचानक कैसे आ गई मैं। नहीं, सच में मैं ऐसा नहीं सोच रही। मैंने अभी आपसे पूछा तो था ना, आपने बताया ही नहीं। तुम्हारा भाई अगले महीने बाहर निकल रहा है। जानती हूँ मैं, शुक्र है। शादी करना चाहता है वो, ये तो और अच्छा है, अल्लाह खैर करे। जब वो बाहर आ जाएगा तो मुझे ये काम नहीं करने देगा। वो दुकान बंद करवा कर घर पर रहने के लिए कहेगा। ऐसा नहीं होगा, काम सिर्फ किस्मत का हाल बताना तो नहीं होता ना। तुम जानती हो वो यहाँ आना चाहेगा, सबसे बड़ा ख्वाब यही था उसका। हाँ जरूर वो आए, ये उन्हीं का घर है। बच्ची का क्या करोगी? क्या उनसे कहोगी कि अपने मुलाजिम की बच्ची को गोद ले लिया है तुमने? आप खुद उनसे क्या कहेंगे जहरा? क्या मेरे भाई को मालूम है कि आप उस बच्ची की बदौलत मरियम से पैसे बटोर रही है? बिल्कुल नहीं। और मैं भी भाई से ये सब कब तक छुपा सकती हूँ मैं भी नहीं जानती। ठीक है, देखो मैं यहाँ इस बारे में बात करने आई हूँ। इस मसले को हमें बैठकर तफसील से हल करना होगा।
आखिर इसमें से आधी रकम तुम्हारी है। वाकई सच कह रही हूँ, बहुत चीजें गलत हो गई जब से मैंने दुकान खोली। मैंने सोचा बहुत जल्द ये रकम वापस कर दूंगी, मगर नहीं हो सका। जानती हो ना, संबोल में नई जिंदगी शुरू करना मुश्किल होता है बहुत। सही जानते हो, मैं ये भी जानती थी कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये ठीक है। ऐसा करती हूँ कि मैं तुम्हें किस्तों में अदायगी करूंगी, ठीक है ना? यहाँ तक कि अगले 2 महीनों में मैं तुम्हें 10,000 रुपए तक दे दूंगी। हाँ, यानी भाई जेल से बाहर आ जाएंगे तो आप किस्तें देना बंद कर देंगे। जबरदस्त। और अगर मरियम किसी तरह भाई के पास आकर सब कुछ बताने लगी तो फिर क्या होगा? क्या वो भाई से ये नहीं कहेगी कि आपने उससे पैसे लिए थे? वो ऐसा नहीं करेगी, इसलिए क्योंकि उसे ये एतराफ भी करना पड़ जाएगा कि उसने जकी की दौलत चोरी की। उसने कभी भी किसी ऐसी बात का एतराफ नहीं किया। शायद उसने वो लिया ही ना हो, शायद वो आपसे और मेरे भाई से डरती थी। क्या मरियम नहीं जानती थी कि मेरे भाई की पहुँच कितनी दूर तक है, कि जब वो किसी चीज को पकड़ ले तो उसे जाने नहीं देता, इसी डर से उसने अदायगी की हो। अरे तुम उस मरियम को छोड़ो, से मैं देख लूंगी। असल मसला ये है कि अगर तुम अपना मुंह बंद रख लो तो मैं रिमजी को इस्तांबुल में रखूंगी, ठीक है? क्योंकि अगर वो यहाँ आ गया, तुम्हारी बेटी 3 दिन से ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं तुम्हें पैसे दूंगी, तुम्हारी जिंदगी पुरसकून होगी। इसके अलावा उसके बारे में भूल जाओ, फिर किसी मुश्किल में पड़ जाएगा, उसको सुकून है कहाँ? भाई से इस कदर डरने के बावजूद भी आप अपने इस किस्म के काम करने के तरीकों से कभी बाज नहीं आएंगे। मैं उससे डरती हूँ, कबूल करती हूँ। मैं अब वो जहरा नहीं जो वो छोड़ कर गया था। देखो तो कितनी बदल गई हूँ मैं, मेरी अब जिंदगी ही मुख्तलिफ है। कैसी है वो? सो गई है। अपने बाबा को याद करके बहुत ज्यादा रो रही है। हम किस तरह बच्ची को यह बता सकते हैं कि वो उसका बाप नहीं, बल्कि उसने उसको अगवा किया था? उसके बाद ठीक होने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? नहीं, हम नहीं बता सकते। कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा इसका। उसके असल बाप के बारे में क्या ख्याल है? डॉक्टर को क्या बताओगे? क्या उसे पता नहीं चलेगा? तुम इसे कैसे छुपा सकते हो? बताओ मुझे, कैसे छुपाओगे? सिनान जी, आपा क्या बात है? जो रकम उसे विरासत में मिल रही है, क्या 17 मिलियन मेरे कहने का मतलब डॉलर है ना? हाँ डॉलर है। वैसे आजकल डॉलर कितने रुपए का है? यार ना मुझे सबर दे, आपको इससे क्या है आपा? आपका इससे क्या ताल्लुक है? कहते हैं ना, अमीर की दौलत गरीब के मुंह को थका देती है। भूल जाए इसे आप। मेरी बात सुनो सिनान। आप सुने आपा, इस बात को आगे मत बढ़ाएं, यही खत्म बस। कहाँ रह गई ये लड़की जो इसकी उस हरामजादे से अभी तक जान नहीं छुटी? ठीक है, जब तक मैं बारबेक्यू के लिए कुछ सामान देखता हूँ। हाँ ये रहे। कुछ और चाहिए बताओ। सिनान? हाँ ज़ैनब, मैंने सुना कि तुम्हें छोड़ दिया है, तुम फिर आ क्यों नहीं रही? मैं अभी बात नहीं कर सकती। ज़ैनब, तुम्हारी आवाज कट रही है। अभी बात नहीं कर सकती कहा ना, अहमद मेरे साथ है। वो इस वक्त कसाब की दुकान से बारबेक्यू के लिए गोश्त खरीद रहा है। मैं फोन कान से नहीं लगा सकती, कहीं देख ना ले वो मुझे। गोश्त खरीद रहा है? क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रही हो? क्या तुम लोगों को आज का दिन ही मिला था गोश्त खरीदने के लिए? मैं ये अपनी मर्जी से नहीं कर रही, वो मुझे शैले वाले घर लेकर जा रहे हैं सब कुछ नॉर्मल करने के लिए। बहुत गुस्से में है। शैले जाओगी? वो गुस्से में है, लेकिन मेरा गुस्सा नजर नहीं आ रहा तुम्हें। बच्ची ने रो रो कर बुरा हाल किया हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने अपनी आपा को बुलाया और उनके मुंह से निकल गया कि साबरी मर गया है। क्या? ओह अल्लाह। फौरन यहां आओ ज़ैनब, यहां तुम्हारी बहुत जरूरत है। कहां ना, मैं नहीं आ सकती, मुझे अहमद के साथ जाना होगा, समझते क्यों नहीं हो तुम? बिल्कुल पागलों वाली हरकतें कर रहा है। मुझे उसे काम डाउन करने दो, थोड़ी बातें करने दो, मैं आ जाऊंगी जल्दी। जरा ये बताओ तुम अहमद के साथ इस किस्म का रवैया कब से रखने लग गई ज़ैनब? ठीक है, अगर तुमने बच्ची के मिल जाने के बाद अपनी फैमिली को दोबारा जोड़ने का फैसला किया है तो यह अलग बात है। सिनान देखो ज़ैनब, अगर तुम अपनी मोहब्बत को दोबारा जिंदा कर रही हो तो आओ अपनी बच्ची को यहाँ से ले जाओ, मैं तुम्हारा नैनी नहीं हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, रुको एक मिनट,
वो सिर्फ बाबी क्यों करने जा रहा है, थोड़ा सा शोर मचाएगा और अपने गुनाहों का एतराफ करेगा, और जब वो सो जाएगा तो मैं छुपके से भाग जाऊंगी, दोबारा कभी नहीं ढूंढ सकेगा मुझे। तो फिर जरा जल्दी बिस्तर पर चली जाना तुम सेना, ताकि ज्यादा देर ना हो, मुझे भी बहुत काम है, मैं तुम्हारा बेबी सिटर नहीं बना रह सकता। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है सिनान, कि बिस्तर पर जल्दी चली जाना? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हाँ, मैं कौन होता हूँ कुछ कहने वाला, जो दिल में आए करो। बहुत शुक्रिया उस्मान, बहुत शुक्रिया यार, शुक्र मिलते हैं। ये गोश्त देखो बिल्कुल मक्खन जैसा है। अब मेरी जान, चलते हैं आलू और सलाद की तरफ। काफी है नजर करम।